दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है तारीख 15 जुलाई 2022 और अभी टाइम हो रहा है 1:39। मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर सराय कालिखा से, पहले खड़ा हूँ यहाँ पर सीएनजी पंप पे आया हूँ। सीएनजी डलवाई मैंने, जस्ट लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था आईटीओ के पास और उसके बाद सीएनजी आ गई थी तुरंत रेड पे। तो रेड पे मतलब मैं कोशिश करता हूँ रेड पे जैसे ही आ जाए तब तुरंत ही सीएनजी डलवा लेते हैं। तो कल मैंने जो सीएनजी डलवाई थी 684 की डलवाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 185 किलोमीटर पे वो रेड पे आ गई थी। रेड के पे आने के बाद मतलब 35-40 किलोमीटर की एवरेज आ जाती है रेड पॉइंट पे। अगर आप विदाउट एसी चलाओगे गाड़ी तो 40 से 45 किलोमीटर तक आराम से चल जाती है, अगर एसी पे लाओगे तो 30-35 पे वो खत्म हो जाएगी। तो 185 प्लस 35 और आप मान के चलिए तो वो 220-230 तक की एवरेज 685 रुपए की जो सीएनजी थी उसमें आई है। तो आज जो अभी सीएनजी मैंने डलवाई है वो आप यहाँ साइड पे देख सकते हैं 547 रुपए की सीएनजी आज डली है मेरी। तो अभी जो मैं आज मैं सुबह निकला था दोस्तों 9 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास आई थी, आप साइड में देख सकते हैं 9:04 पे ट्रिप आई थी गुड़गांव की, फर्स्ट ट्रिप। और गुड़गांव से फिर एक दो ट्रिपें करी, फिर उसके बाद आपको पता ही है वहाँ पर गुड़गांव पे फिर सब कुछ शांत हो जाता है, फिर गो होम मतलब दिल्ली साइड लगाई लोकेशन। तो दिल्ली में करता हुआ फिर यहाँ पर आ गया हूँ। तो अभी जो मेरा काम निकल के आया है अभी 1:40 हो रहे हैं। तो अभी जो काम है मेरा आप साइड में देख सकते हैं 933 रुपए का नेट काम है, प्लस इसमें एक एमसीडी टोल है और हरियाणा जाने का एक स्टेट टैक्स मिल जाएगा। तो टोटल काम अभी तक का जो 11, 12, 13 चार घंटे में आपका 1100 रुपए का काम हुआ है मेरा। और अभी दोस्तों मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मेरे से मतलब कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि भैया मतलब गाड़ी लेना ठीक रहेगा डिज़ायर लें या 12 घंटे में कितना काम होता है, डिज़ायर गाड़ी में महीने में कितना इनकम कर लेते हैं। तो ये सब दोस्तों मैं कई बार ये जानकारी आपको दे चुका हूँ और आप मेरी काफ़ी वीडियो भी बनी हुई है, वैगन आर पे कितना काम निकलता है, डिज़ायर पर कितना निकलता है, एटिका पे कितना निकलता है, इसमें मेरी मतलब आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं जो न्यू व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं इस लाइन में आने के तो उनको मैं पहले बता दूं दोस्तों काम ठीक ठीक है इसमें, बट ये है कि नए जो व्यूअर्स हैं अगर नए कोई अपना गाड़ी लेने की सोच रहा है या मतलब काम करने की इच्छुक हैं तो उनको मैं ये प्रेफर करूंगा कि मतलब काम तो है दोस्तों पर आपके लिए नए जो अगर आप इस लाइन में आओगे तो नए के लिए सेविंग्स बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों की तो गाड़ी फ्री है तो फिर भी हम लोग 1000-1500 तक का काम कर लेते हैं, कभी कभी 2000 का भी हो जाता है नेट हटा के सब कुछ अर्निंग। तो मतलब पहले तो यही है दोस्तों मैं ये बता दूं कि 12 घंटे में काम कितना होता है। देखिए आप पहले तो सबसे पहले डिपेंड करता है आप किस टाइम पे निकल रहे हो, मॉर्निंग में आपका शेड्यूल क्या है। सबसे पहले आपको अर्निंग करनी है तो मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे निकलते हो या 8 बजे भी निकलते हो, 9 बजे भी निकलते हो तो 12 घंटे का काम आपका अच्छा खासा निकल जाएगा। जबकि आप मेरी लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो मतलब ऑन एवरेज 2500 से 2600 तक का काम निकल के आ जाता है, कभी कभी ये जंप कर जाता है टोल वगैरह लगा के 2900-3000 भी पहुंच जाता है, और अच्छी ट्रिप मिल गई सर्च में तो मतलब 3.5 तक भी काम पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब पहली बात तो ये है कि 12 घंटे में आप एवरेज, आपकी एवरेज ये है कि आप 12 घंटे में 2200 से लेके 2600 तक का काम आप निकाल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी सीएनजी है, सीएनजी आपकी आपने देखा ही एक बार अगर सीएनजी हम फिल कराते हैं तो 550 से कम की सीएनजी नहीं आती, मतलब 500 की एक पत्ती आपकी जानी जानी है। तो दो बार आपको डलवाना है क्योंकि एसी चलता है, गर्मी का टाइम है और विदाउट एसी कोई भी पैसेंजर मतलब बैठना प्रेफर ही नहीं करता। आप खुद मतलब इस टाइम गर्मी इतनी है, ह्यूमिडिटी है तो आप खुद नहीं प्रेफर करोगे, आप खुद गाड़ी में एसी ऑन रखते हो, मैं खुद रखता हूँ कभी कभी, क्योंकि कई बार हम शीशे खोल लेते हैं जिसकी वजह से मतलब बाहर से भी इतनी गर्म हवा आती है जिसकी जो बर्दाश्त के बाहर होती है, तो इसलिए हमें मजबूरन एसी चलाना पड़ता है। तो जिसके कारण क्या है कि एसी चलता है तो सीएनजी भी उस हिसाब से फिर पीती है एसी को, तो उस हिसाब से फिर सीएनजी खर्च होती है। तो मतलब ये लगा लीजिए आपको दो बार तो डेफिनेटली अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो दो बार आपको सीएनजी डलवानी है। तो दो बार में सीएनजी डलवानी है तो उसमें आपको 1000 रुपये गए एक बार में, 500 गए, दूसरी बार में
500 चले गए। अब मेरा ही देख लो, मैंने कल 685 रुपए की सीएनजी फिल कराई थी, उसके बाद अब मैंने कराई है 550 रुपए की, तो 685 550, तो दो बार में मैंने डलवाई है, तो ये लगा लीजिए 600 500 1100 और 85 और 50, मतलब ये लगा लीजिए 1230-40 रुपए तक की सीएनजी टोटल लग चुकी है। तो ये चीजें हैं, मतलब पूरे दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो तो आपकी कम से कम 1000 रुपए आप मान के चलिए सीएनजी में आपको देने देने हैं। तो 2600 रुपए का अगर आप मैक्सिमम सपोज एक मार्जिन लेके चलते हैं, 2600 रुपए आपने काम किया तो 2600 में 1000 रुपए आप अपनी सीएनजी के हटा लीजिए, बचे कितने 1600 रुपए। अब 1600 रुपए में दोस्तों, इसमें ये 1600 रुपए ही आपकी सेविंग का वो है, अगर आपकी गाड़ी फ्री है तो आपके पास पूरे 1600 रुपए बच गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी फ्री नहीं है, आपकी ईएमआई कट रही है, आपने नई गाड़ी लगाई है ओला उबर में और आप चलाना है, आपने स्टार्ट किया है, तो नई गाड़ी में फिर आपकी कम से कम देखो बंदा जो किस्त बनवाता है 3 साल की, तो ईएमआई बनवाता ही बनवाता है गाड़ी जब लेता है, तो 3 साल की ईएमआई में 1 महीने की ईएमआई आपकी 14 से 15 हजार रुपये आप मान के चलिए, 500 रुपये मान के चलिए पर डे का आपका ईएमआई का खर्चा है गाड़ी का। तो दोस्तों 1600 रुपये जो बचे आपके, उसमें से आप 500 रुपये ये हटा लीजिए, ठीक है, ये निकल के आएगी 1100 रुपये। अब 12 घंटे में सर आपका 1100 रुपये में आपको अपना आपको अपना 100 रुपये का खाना पीना भी होना है, ठीक है। तो नेट इनकम मतलब जो निकल के आती है वो 1000 रुपये की आती है, जो जिनकी गाड़ी ईएमआई पे है, जो नई जिन्होंने नई गाड़ी ली है उनकी मैं बता रहा हूँ, उनकी इनकम दोस्तों 1000 रुपये तक की आएगी, और जिनकी गाड़ी ऑलरेडी फ्री हो चुकी है पहले से ही, तो उनकी वो जो ईएमआई कट रही है वो चीज़ आप प्लस कर सकते हैं। तो मतलब वही 1500 से 1600 रुपये आप नेट निकाल सकते हैं अपनी 12 घंटे में टोटल। तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले कोविड से पहले क्या है कि सीएनजी के प्राइस भी बहुत बढ़िया थे, मतलब ज़्यादा 38 रुपये 40 रुपये ये रेट चलता था, तो उस दौरान क्या है कि 250 रुपये में एक बार सीएनजी फिल हो जाती थी, जिसमें 1500 का काम आराम से हो जाता था। और दो बार में हम सीएनजी डलवाते थे तो 500 रुपये की सीएनजी डलती थी और 3000-3500 तक का काम होता था, और अच्छे खासे सर्ज में हमें ड्यूटियाँ मिलती थी उस दौरान। और मतलब सुबह जब हम मॉर्निंग में निकलते थे तो मॉर्निंग में आपको पता ही था पूरा, अगर आप ऊबर चलाते तो ऊबर में आपको पूरा सर्ज रेड मिलता था। रेड में मतलब ये है कि सुबह अगर स्टार्ट करते थे 7 बजे तो 12 बजे तक भी हमारा काम 1500 से 1800 भी हो जाता था। कई बार तो मैंने खुद 12 बजे से पहले पहले 2200-2200 रुपये का काम किया हुआ है ऊबर में। पर अब क्या है कि जब से कोविड आया, कोविड के बाद एक तो पूल राइडें बंद हो गई, पूल राइड में खैर पूल राइड बंद हुई है वो हमारे लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि पूल राइड में क्या है कि शेयरिंग जो राइड होती थी उसमें दिमाग खराब होता था, कभी यहाँ से पिकअप आता था कभी वहाँ से पिकअप आता था, और सुबह सुबह आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली में मतलब पिकअप लेना कितना भारी पड़ जाता है, कहीं गलियों से ऐसे ऐसे उससे बुकिंग्स हमारे पास आती थी जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मतलब ये लगा लीजिए कि कोविड के बाद ये पूल राइड बंद हुई है, उसके बाद जो ये सर्ज वगैरह देते थे सर्ज देना बंद कर दिया, इंसेंटिव्स प्लान जो उबर देता था हमें इंसेंटिव्स देना बंद कर दिया। तो जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग में कंपनी आती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि हाँ आज से 5 साल पहले जिन भाइयों ने गाड़ी ली थी निकलवाई थी बहुत अच्छा खासा कमाया भी, उन्होंने घर भी बना लिए, बहुत लाख लाख रुपये भी कमाए, तो अब जाके वो सब चीज़ें बंद हो गई है, कंपनी का बेस बन चुका है, कंपनी अपनी मर्जी से चलती है, कंपनी को किसी की परवाह नहीं रहती एक तरीके से, ये लगा लीजिए जब मन करता है तो अच्छे रेट दे देती है, जब मन करता है तो कम भी रेट दे देती है। अब जैसे अभी थोड़े से हमने सीएनजी जब प्राइस बढ़े थे तब 3 दिन की स्ट्राइक वगैरह करी थी, तब जाके तो ऊबर ने हमारे रेट थोड़े से बढ़ाए थे दोस्तों, वरना उस पर तो फिर हमने एसी चलाना भी बंद कर दिया था। तो अभी मेन जो वो है हमारी प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों मतलब काम है ठीक ठीक, बट जो सीएनजी का प्राइस है ना वो अगर कम हो जाए तो हमारी सेविंग बढ़ जाएगी, तो हमारी सेविंग का जो स्लैब है वो डाउन हो रखा है। बाकी काम ठीक ठीक है, आप 12 घंटे काम करते हो तो 12 घंटे में आप मतलब 2200 से 2600 तक का काम निकाल सकते हो। और काफ़ी ड्राइवर भाई मेरे से ये पूछते हैं कि वैगनार में कितना काम है, दोस्तों ये वैगनार का ही मैं बता रहा हूँ, और अगर आपके पास डिज़ायर है तो डिज़ायर में 5 या 10% एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए, क्योंकि वैगनार और डिज़ायर के रेट तकरीबन सेम होते हैं, 20-30 रुपये या 50 रुपये तक का फर्क होता है, कई बार तो सेम ही बिल बना देता है, ठीक है। तो 10% आप एक्स्ट्रा कर लीजिए उसमें, अगर आप 2600 का काम हो रहा है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा कर लीजिए, 2800 तक का आपका डिज़ायर में काम
निकल सकता है। तो मतलब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने, मतलब काफ़ी मेरे न्यू व्यूवर्स पूछते थे कि भैया कितना काम हो सकता है कितना नहीं है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेज मतलब अच्छी लगी होगी और आपको पता लगा होगा कि एक्चुअल में अभी काम कितना चल रहा है, मार्केट में कितना काम है, ओला उबर में कितना काम है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैंने करा लिया CNG फिल और मैं अभी यहाँ से अपना डिवाइस भी ऑन कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आगे की अर्निंग जो भी शाम तक की मेरी होगी वो मैं आपको बताऊंगा मेरे शाम तक की। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों और लाइक ज़रूर करना। आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो और भाइयों के पास पहुँचेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या है कि उन भाइयों को भी नॉलेज मिलेगी जो इस लाइन में आना चाहते हैं या सोच रहे हैं आने की या इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की पूरी अर्निंग मैं आपको शाम को बताता हूँ, शाम को कितना मेरी अर्निंग हुई है, कितनी टोटल CNG वगैरह लगी है। तो मिलते हैं शाम को। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी द्वारका सेक्टर 10, लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ है द्वारका सेक्टर 10 में और राइड लेकर आया था मैं टर्मिनल 2 से। एक्चुअली गुड़गांव चला गया था जब लंच में आपसे बात करी थी, तो वहाँ से सरायकालेखा से निजामुद्दीन से बुकिंग आ गई थी रेलवे स्टेशन से सीधा गुड़गांव सेक्टर 89 की। तो 50 किलोमीटर की ट्रिप थी जिसमें कस्टमर का जो बिल था वो 880 रुपये का बना और मुझे जो फेयर मिला था वो 600 रुपये मिला था। और क्योंकि दोबारा अगर आप जाते हो गुड़गांव में तो 100 रुपये आपको पता ही है वो स्टेट टैक्स लेता है, बट हमारे बिल से निकाल लेता है। तो 278 रुपये उसने कमीशन ले ली और 606 रुपये मेरे को ऊबर ने दिए उसमें। उसके बाद फिर वहीं से मैं सीधा गुड़गांव सेक्टर 43 आ गया, 43 से मेरे को सीधा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की राइड मिल गई। एयरपोर्ट से फिर दोबारा मतलब सोचा था दोबारा गुड़गांव चला जाऊं या मतलब कहीं और की मिल जाए, तो सीधा इसने द्वारका सेक्टर 10 की ट्रिप दे दी मेरे को। तो दोस्तों ऐसे ही होता है जब आप चाहते हो मतलब घर जाना, घर की ट्रिप लोकेशन डालते हो तो लोकेशन डालने के बावजूद भी नहीं देता ये ट्रिप, और जब मन मतलब नहीं करता आपका कि आपको और लगता है कि आप और काम कर सकते हो और कहीं इधर उधर दे देता, तो उस टाइम ये डायरेक्ट आपको घर की तरफ की भेज देता है। तो घर की तरफ जब आ जाते हैं हम लोग तो फिर आपको पता ही है फिर दोबारा मन नहीं करता कि इधर उधर भागे, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है। अभी जो टाइम हो रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, टाइम हो रहा है 6:47। तो अब सुबह जब मैं निकला था तो 9 बजे करीब निकला था और अभी हो रहा है 6:00 मतलब 47 मिनट, मतलब मैं 6:40 पे ड्रॉप कर चुका था तो 6:30 मान लीजिए। और आज का मतलब कितना लॉगिन आवर हो गया, 9:30 का लॉगिन आवर है। 9:30 में आज मैंने जो काम किया है दोस्तों, आज का जो काम हुआ है वो आपको मैंने बताया था दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा था, तब उस टाइम मेरा काम हुआ था 933 रुपये का, जिसमें 200 रुपये का टोल भी था इंक्लूड, एक स्टेट टैक्स और एक MCD। और अब टाइम हो रहा है 6:47 हो चुके हैं, मतलब 6:50 हो गए हैं। और अभी जो मेरा टोटल काम हुआ है 9:30 का आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, 2347 रुपये का ये काम है। इसमें 2 MCD टोल है 200 रुपये के दिल्ली वापसी के और एक स्टेट टैक्स है हरियाणा का, तो 300 रुपये ये मिल जाएंगे और प्लस आपका 2347 रुपये का काम ये है। टोटल काम हो गया 2647 रुपये और जिसमें मेरे दिन के टाइम में जब CNG डलवाई थी दोस्तों तो 550 रुपये की CNG डली थी। तो अभी मेरे पास 2 पॉइंट है CNG के, तो ये मेरे को 2 पॉइंट जो देंगे वो 70 किलोमीटर दे देंगे और टोटल अभी 126 किलोमीटर चली है जब मैंने CNG डलवाई थी उसके बाद। तो अभी मेरी 550 की CNG आज की डली थी और कल मैंने 685 की डलवाई थी जिसमें मेरे पास कंज्यूम हुई थी 350 की कल लग गई थी और 300 की बची थी। तो 350 ये हो गया, 300 ये हो गया। तो अभी मेरे पास जो CNG बची हुई है वो 150 रुपये तक की CNG बची हुई है दोस्तों, तो आप तो लगा लीजिए 300 कल की बची हुई थी CNG और आज की 550 की है जिसमें से 150 रुपये टाओगे 400। तो टोटल जो मतलब आज की मतलब CNG कंज्यूम हुई है वो 700 रुपये की लगी है, 700 रुपये में आपका काम जो निकल के आ रहा है दोस्तों, टोटल 2347 रुपये का है और 300 रुपये टोल है। तो नेट अर्निंग आपको आप देख ही सकते हैं, ये है आपके सामने जो भी है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और दोस्तों आपके कुछ भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालना और मैं कोशिश करता हूँ हर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमेशा एवरी टाइम तो आप चाहते हैं तुरंत जवाब मिले तो उस चीज़ का पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ
रोड पे रहता हूँ, जब जैसे ही टाइम मिलता है कमर्स आपके पढ़ता हूँ तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना वीडियो को। आप जितना लाइक करोगे वीडियो को उतनी आगे वीडियो मेरी पहुँचेगी, जिन भी भाइयों को नॉलेज चाहिए तो उनको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। मैं भी अब बस घर के पास पहुंच चुका हूं, द्वारका सेक्टर 3 के पास में, और अब बस घर ही पहुंच रहा हूं। तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय।